यस ये स्क्रीन आई सामने। इफेक्ट टू रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर मे द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और द जॉइंट प्रोमिसर्स नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर टू रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और द जॉइंट प्रोमिसर्स। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, दीक्षा तन्वी और एक और क्या नाम है कुसुम, इन तीनों ने एक पार्टनरशिप में एक प्रॉपर्टी ली। सबसे पहले मुझे बताओ, जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा या जॉइंट ऑनर्स कहा जाएगा? Why they are not known as partner? Okay. Just a minute, students. हाँ जी सर, फाउंडेशंस में मैम सर एक्चुअली सैटरडे टू सैटरडे विभा मैम और मैम थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ। हाँ मतलब कभी लॉ का ले लिया, कभी अकाउंट्स का ले लिया, शॉर्ट सेशन चल रहा। सारे बच्चों को ओपन फॉर ऑल। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। नहीं कभी वीक में एक बार विभा मैम ने ले लिया, फिर अगले वीक में मैंने ले लिया, फिर अगले वीक में नमिता मैम ने ले लिया। नहीं इलेवेंथ ही लेना है सर, अभी तो ट्वेल्थ के लिए लेना। नहीं कंपलसरी किसी के लिए नहीं है सर, एक्चुअली आ तो सारे रहे, जो भी हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं ना सब लोग आ रहे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सी ए के टॉपिक लें, कभी शेयर मार्केट ले लिया, कभी कुछ और ले लिया, ऐसे टॉपिक्स लेते रहते। नहीं जो रेगुलर सेशन चल रहे हैं वो तो रेगुलर सब्जेक्ट के सेशन तो चलते ही हैं, एक एडिशनल कोई भी टीचर ले लेता। हाँ एक पीरियड कोई भी एक टीचर ले लेता है। अच्छा हाँ जी सॉरी, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ दीक्षा तन्वी और कुसुम तीनों एक प्रॉपर्टी के को ऑनर बनना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी अभी अमीशा के पास में है। अमीशा ने वो प्रॉपर्टी तीनों को सेल कर दी, ठीक है। अमीशा ने टोटल 30 लाख रुपीस डिमांड किए थे, इन तीनों ने कहा कि यार हम लोग 10-10 लाख रुपए हम सब मिलकर दे देंगे। अमीशा ने कहा देखो 10-10 लाख मिलके दो, 15-10 और 5 मिलके दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो 30 लाख रुपीस पूरा चाहिए। बोले ठीक है सर आपको 30 लाख रुपीस हम लोग पूरा दे देंगे। प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम पे ट्रांसफर हो गई। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद में तन्वी मैम को लगा कि यार इस प्रॉपर्टी में ज्यादा दम नहीं है, इस प्रॉपर्टी के मैं 10 लाख रुपए दूं तो ये मैं लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो तन्वी ने क्या किया, तन्वी जब प्रॉपर्टी का पेमेंट देने की बात आई तन्वी मैम वहां से गायब हो गई, गायब। अब मुझे क्या बताएं, क्या दीक्षा 10 लाख रुपीस देकर वहां से फ्री हो जाएंगी, क्या कुसुम 10 लाख रुपीस देकर वहां से फ्री हो जाएंगी क्या? हाँ बताएं बताएं बताएं
नो व्हाई? बिकॉज अमीषा को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा 30 लाख रुपीज। तो यहां पर दीक्षा को और कुसुम को दोनों को पूरा पेमेंट यहां पर देना पड़ेगा 15 लाख रुपीज एंड 15 लाख रुपीज, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में जब कभी इन लोगों को तन्वी कहीं मिलेगी तो तन्वी इन दोनों को 5-5 लाख रुपीज पे करेगी। इट मीन्स इन द कंडीशन ऑफ द ज्वाइंट प्रॉमिस, ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग, फॉर एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली और इंडिविजुअली। ज्वाइंटली और इंडिविजुअली का मतलब या तो सारे लोग मिलकर वो प्रॉमिस पूरा करो या फिर कोई एक पर्सन भी वो प्रॉमिस पूरा करे। लेकिन ध्यान रखना, फ्यूचर में जिन पर्सन्स ने यहाँ पर प्रॉमिस कंप्लीट किया है उनके पास राइट रहेगा कि वो इस इंसान से अपना जो हिस्सा है, अपना जो पार्ट है वो वापस रिकवर कर ले। गॉट एट दैट पॉइंट? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ऑल थ्री आर द जॉइंट प्रोमिसर्स फॉर मिस्टर डी फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर डी हैज ऑलरेडी पेड 50 लाख रुपीज टू द जॉइंट प्रोमिसर्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बट बिफोर द एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अनफॉर्चुनेटली बी वॉज डिसीज्ड, बी मर गया, बी वॉज डेड। अब मुझे बताओ, ए और सी यहां पर डी के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर ए और सी अपने अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे? फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट और फॉर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट? फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट। दे कैन नॉट से कि भाई हमने बी को थोड़ा बहुत पैसा दे रखा था तो बी ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। आप बी को लेने के लिए डी भगवान के पास तो जाएगा नहीं, और ये जॉइंट प्रोमिसर है ए और सी का, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी की पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से होली एग्जीक्यूट करवाए। हाँ, ये लोग चाहें तो डी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, पर वो सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन डी के लिए तो ए और सी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल भी होंगे और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। अगर सपोज दैट मुझसे 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 कुछ बच्चे आए एक साथ, तीन बच्चे एक साथ आए, ठीक है, तीन बच्चे राम श्याम मोहन, तीनों बच्चे एक साथ आए और तीनों बच्चों ने कहा सर यार आज पार्टी करनी है, यार देखो बारिश का मौसम भी हो रहा है और पैसे लाना भूल गए सर, तो प्लीज आप 500 रुपये दे दो ना, आज पार्टी करेंगे सर, आप रास्ते में ज्यादा ज्यादा पकौड़े वकोड़े भी खा के जाएंगे, हो सकता है डोमिनोज भी खुला हो तो डोमिनोज पे भी चले जाए। मैंने कहा ठीक है यार, तुम बच्चे 500 रुपये मैंने इनको उधार दे दिए। जैसे 500 रुपये उधार मिले ये तीनों बच्चे कोचिंग से गायब, वापस क्लास में नजर ही नहीं आ रहे। मैंने कहा डूब गए पैसे। एक दिन राम मुझे मिल गया मार्केट में, मैंने राम को वहीं धर पकड़ा। मैंने कहा राम 500 रुपये, क्या राम ये बोल सकता है कि सर मेरे हिस्से का तो 133 रुपये 33 पैसे बनते हैं, आप मुझसे इतना रुपए ले लो और मुझे जाने दो? नो, अच्छा राम को मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 500 कंप्लीटली फुल्ली।
हाँ राम के पास राइट रहेगा कि फ्यूचर में जब कभी श्याम और मोहन इसको मिलेंगे तो ये अपने हिस्से का पेमेंट उनसे रिसीव करने का राइट रखेगा, लेकिन यहाँ पर तो राम को मुझे पूरे के पूरे 500 रुपीज पे करना जरूरी होगा। व्हाट इज दैट पॉइंट? अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? और मोहित, रचित, प्रियांश, ओके बहू जी, चलिए। डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स, सेक्शन 45। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests as between him and them with them during their joint lives and after death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors and after death of the last survivors with the representatives are All jointly, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था कि ए बी सी में से बी की डेथ हो गई थी तो बी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मिलकर ए और सी डी के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे। सपोज दैट सी के भी मर जाते, सी भी मर जाता तो केवल ए बचा, तो ए और बी और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव डी के लिए जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होंगे। ये क्या लिखा हुआ है? A in consideration of 5000 lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that sum of interest on a day specified. B की डेथ हो गई। The right to claim performance rests with the B's representative jointly with the C during C's life and after death of C with the representative of B and C jointly. Got it that point? Each and everyone, आदेश करो मैडम। तब भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ डिसीज होने का मतलब ही यही है कि इनकैपेबिलिटी आ गई। अब वो इनकैपेबिलिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है उसका ऊपरी माले पूरी तरीके से खाली हो जाए, ठीक है ना, उसके माइंड में जो नेटवर्क आते हैं वो नेटवर्क आना बंद हो जाए या टेम्प्रेरी लेवल पे वो ल्यूनेटिक हो जाए, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। डिसीज का मतलब यहाँ पे इनकैपेबिलिटीज है। एनी मोर डाउट? नो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह 13 स्टूडेंट्स और एक को भी डाउट नहीं। वेरी गुड। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 to 50। सेक्शन 46 स्टेट्स दैट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। भैया सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर प्रॉमिस में परफॉर्मेंस का टाइम डिसाइड नहीं है, ध्यान रखना, अगर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि कॉन्ट्रैक्ट को हमें कब परफॉर्म करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना पड़ेगा। अब रीजनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? रीजनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबिलिटी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम।
रीजनेबल टाइम वुड डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दीक्षा मैम ऐसे सस्ती ड्रेसेस पहनती नहीं है, शी ऑलवेज यूज डिजाइनर ड्रेसेस। तो दीक्षा मैम ने एक डिजाइनर वो फेमस डिजाइनर कौन है, नाम बताओ जल्दी जल्दी। मनीष मल्होत्रा। ओह चलो ठीक है भाई, मनीष मल्होत्रा से उसने अपना ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए मनीष मल्होत्रा को कॉन्ट्रैक्ट दिया। मनीष मल्होत्रा ने कहा ठीक है मैम मैं आपका ड्रेस डिजाइन कर दूंगा। दीक्षा ने कहा ठीक है आप डिजाइन कर दीजिएगा। और दीक्षा ने अपना जो भी मेजरमेंट है, जो भी आइडिया था कि उसको ऐसा 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 ड्रेस चाहिए, वो उसने मनीष मल्होत्रा को दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड किसी ने नहीं किया कि आपको एक दिन में चाहिए, पांच दिन में चाहिए, एक महीने में चाहिए, नहीं किया। ठीक है, हमारे मनीष मल्होत्रा साहब ने उस ड्रेस की डिलीवरी दी आफ्टर द 5 ईयर्स। इस दीक्षा इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द मनी टू द मनीष मल्होत्रा, और इस दीक्षा इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द ड्रेस फ्रॉम द मनीष मल्होत्रा। सर इसका मतलब क्या है? सर रीजन उसने दीक्षा ने कहा कि यार ये 5 साल बाद कोई ड्रेस देता है क्या, मैं तो नहीं लेती इस ड्रेस को, अब मैं अभी ये काम क्या इस काम किया, अब तो नहीं ले रही। मनीष मल्होत्रा ने कहा कि आपने मुझे टाइम थोड़ी ना बताया था, वो टाइम नहीं बताया था इसको, ये थोड़ी ना रीजनेबिलिटी होती है कुछ। बोले यार रीजनेबिलिटी तो कितनी होती, बोले रीजनेबिलिटी इस कॉन्ट्रैक्ट में आप एक महीना मान लो, दो महीने मान लो, 5 साल की कौन सी रीजनेबिलिटी होती। बोले ठीक है, मनीष मल्होत्रा मान गया और मनीष मल्होत्रा चुपचाप चला भी गया। उसके बाद दीक्षा अपने पास वाले सरस डेयरी शॉप से मिल्क परचेज करने के लिए गई। सरजा पेन मिल्क परचेज करने के लिए गई, उस टाइम पे मिल्क अवेलेबल नहीं था। सरस डेयरी बूथ वाले ने कहा कि मैम मैं आपके घर पर डिलीवरी दे दूंगा। बोले ठीक है आप मुझे भिजवा दीजिएगा। वो दूध वाले भैया मैम के घर गए 10 दिन के बाद में कि मैम वो आप दूध लेने आए थे उस दिन डिलीवरी, उस टाइम दूध था नहीं तो मैंने आपको दिया नहीं, ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर दीक्षा इस मिल्क की डिलीवरी लेगी क्या? क्यों ड्रेस के लिए तो तुम लोग कह रहे थे कि 10 दिन तो सर रीजनेबल होता है, मिल्क के लिए कह रहे हो 10 दिन रीजनेबल नहीं है, ऐसा कैसे? यस रीजनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सर रीजनेबिलिटी रीजनेबल टाइम वुड बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रॉमिस का परफॉर्मेंस रीजनेबल टाइम के अंदर किया जाना जरूरी है। ये समझ में आ गया? नो इशू विद दैट। चलिए आगे की बात करते हैं। सेक्शन 47 स्टेट्स दैट टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ओहो अब इन्होंने कह दिया कि भैया टाइम स्पेसिफाइड कर दिया, उन्होंने टाइम स्पेसिफाइड कर दिया। व्हेन द प्रॉमिस इज टू परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर मे परफॉर्म एट it at any day during the usual hour of the business on such day and at place at which the promise ought to be performed. Clearly उन्होंने कहा कि अगर अगर promisor ने कोई certain day define कर दिया है, promisee ने promisor के साथ मिलकर एक certain day define कर दिया है कि भैया आपको इस दिन आना है, इस दिन आप अपना promise पूरा करेंगे, तो उस दिन business hour के दौरान क्लियरली लिखा हुआ है आवर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है? 9 to 6।
मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 बिजनेस आवर्स के दौरान आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करना है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल दीक्षा ने एयर कंडीशनर खरीदा, दीक्षा ने कहा कि सर एयर कंडीशनर आप 26th of July 2021 पर आकर के आप मेरे घर पे इंस्टॉल कर देना। बोले ठीक है, एसी वाले ने कहा ठीक है, ठीक है। एसी वाले भैया 26 तारीख को रात को 11 बजे दीक्षा के घर पे पहुंचते हैं, बैल बजाते हैं, दीक्षा गेट खोलती, बोले आप कौन? अब मुझे एक बात बताओ, क्या दीक्षा यहाँ पर प्रॉमिस परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नो, नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 26/7/2021 को तो आप प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि आप बिजनेस आर्ट्स में ही अपना प्रॉमिस पूरा करो, ठीक है। आपने आप 25th रात को 3 बजे जाकर कहो सर आज 26 तारीख है मेरे को एसी लगाने दो, तो क्या ये पॉसिबल है कि दीक्षा अपने घर पे एसी इंस्टॉल कराने के लिए रात को खटर पटर की सुनेगी? मना कर देगी, ले जा भैया तेरा एसी, मेरे को वापस नहीं चाहिए। तो क्या एसी वाला कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है? इन्होंने मेरे को 26 तारीख दी थी, मैं 26 तारीख को पहुंच गया था, फिर भी इन्होंने एसी नहीं लगवाया, पॉसिबल है क्या ऐसा? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर डेट डिसाइड कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में उस डे पर बिजनेस आवर्स में ही प्रॉमिस का परफॉर्मेंस किया जाना जरूरी है, और अगर प्लेस भी डिसाइडेड है तो उस प्लेस पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। गॉट इट दैट पॉइंट? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब ध्यान रखना, हमारी क्लास में से एक बच्ची की थी शादी, ठीक है। पिताजी ने पंडित जी को कहा था कि साहब 28th of January 2021 की शादी है और मुहूर्त निकला है सुबह 10 बजने का, तो आप प्लीज उस टाइम पर आकर आपको शादी करानी है। बोलो ठीक है, यहाँ पर मुझे डे डिसाइडेड है क्या? अच्छा, टाइम भी डिसाइडेड है, प्लेस भी उसके पिताजी ने बता दिया सर इस जगह पर आपको पहुंचकर शादी करवानी है, वो भी डिसाइडेड है। हमारे पंडित जी पहुंचे शाम को 4 बजे। अब मुझे एक बात बताएं, पिताजी वहां पर पंडित जी से शादी करवाएंगे या पिताजी की शादी करेंगे? तब पंडित जी को लात मार के भगाएंगे पापा वहां पर। क्यों? क्योंकि जब आपको टाइम दे दिया, जब आपको डे डिसाइड करके दे दिया, तो उसी टाइम पर आपको वो अपना परफॉर्मेंस प्रॉमिस अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर पंडित ये नहीं कह सकता सर आ तो गया था ना टाइम पे, बिजनेस आर्ट्स में आ गया ना, बिजनेस आर्ट्स चल रहे हैं अभी। नहीं, यहाँ पर अब बिजनेस आर्ट्स का काम नहीं होगा, यहाँ पर आपको जो टाइम डिसाइड करके दिया है उस टाइम पर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना जरूरी है। Understood? Place of performance of promise when no application is to be made and no place fixed for the performance. और अगर कोई परफॉर्मेंस का प्लेस फिक्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में रीजनेबल प्लेस पर प्रोमिसी के जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाना जरूरी है। आप एक टीवी परचेज करने के लिए गए,
दीक्षा कौन सी टीवी लेने गई भाई? अच्छा कोई भी ले लें। चलो दीक्षा ने परचेज की है होम थिएटर विद एक्स्ट्रा स्पीकर्स। चलो और कर्व टीवी है, टच स्क्रीन टीवी है, ठीक है, हाईली मॉडिफाइड हाईली टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट टीवी। दीक्षा ने परचेज करने के लिए एक शॉप पे गई, उससे शॉपकीपर को पूछा कितने में दो। शॉपकीपर ने कहा ज्यादा महंगी नहीं है मैम, आपके लिए सिर्फ 4 लाख रुपीज की। दीक्षा ने कहा बस चल मेरी तरफ से 4.10, 10,000 तू टिप रख। शॉपकीपर खुश हो गया, ठीक है। दीक्षा ने कहा ओके डन। दीक्षा ऐसा बोल के पेमेंट दे करके गाड़ी में आके बैठ गई। अब मुझे बताओ यहां पर क्या डिलीवरी का कोई प्लेस डिसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो शॉपकीपर उस टीवी को कहाँ डिलीवर करे? हाँ घर का एड्रेस देखे आई होगी तू, नहीं दिया ना, तो ऐसी कंडीशन में वो जो शॉप है वो शॉप ही डिलीवरी प्लेस अज्यूम कर लिया जाएगा। अंडरस्टूड? अगर अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच में प्रॉमिस एग्जीक्यूशन का कोई प्लेस डिसाइडेड नहीं है तो रीजनेबल प्लेस या जहां पर प्रॉमिसी अवेलेबल है वो जगह पर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस होना जरूरी है। दीक्षा ने यहाँ पर शॉप से टीवी परचेज की लेकिन यहाँ पर टीवी डिलीवर कहाँ करनी है इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि दीक्षा इस टीवी की डिलीवरी शॉप से ही लेने वाली है। दीक्षा जाके गाड़ी में बैठ जाए, घर पहुंच जाए, 3 दिन बाद वापस शॉप पे आए, आपको पता नहीं चलता मैंने टीवी के पैसे देके गई थी, आपने टीवी नहीं भिजवाई। शॉपकीपर क्या कहेगा? मैडम कहाँ भिजवानी है तो बताया ही नहीं था आपने। ओ इसका मतलब यहाँ पे दीक्षा की फॉल्ट होगी क्योंकि वहां पर ऐसी कंडीशन में शॉप पर ही डिलीवरी दे दी जाएगी ऐसा मान लिया गया। अंडरस्टूड? परफॉर्मेंस इज मैनर एंड एट ए टाइम डिस्क्राइब एंड सेंक्शन बाय प्रॉमिसी। किस मैनर में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, किस टाइम पर करना है, किस जगह पर करना है, सब कुछ स्पेसिफाइड है, तो उसी तरीके से आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, उसी टाइम पर देना पड़ेगा, उसी जगह पर देना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दीक्षा ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, दीक्षा कब चुकाएगी? आ गई। दीक्षा ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जब इसने मुझसे पैसा उधार लिया था तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि दीक्षा ये अमाउंट मुझे 26th of July 2021 को मॉर्निंग में 10 AM पर बाय चेक चाहिएगा। कैसे चाहिएगा? बाय चेक चाहिएगा। दीक्षा 26th of July को आई, सुबह 10 बजे आई, पर दीक्षा अपने साथ चेक नहीं लाई और 2 लाख रुपए कैश लेकर के आ गई। क्या मैं वो कैश रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं क्या? हाउ मेनी स्टूडेंट से नो? अमीशा ओके ओके दीपश्री अर्पिता दीक्षा दर्शिता मोहित रचित रितिका और अच्छा इतने सारे बच्चे रेडी, इसका मतलब मैं उसके लिए रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने पहले से ही मैनर डिसाइड कर दिया कि
if you want to perform your contract, you have to perform in a specified manner. Check से ही पैसा आएगा. आप cash लेके आओगे तो हम receive करने के लिए यहाँ पर responsible नहीं. चलिए, मैम check तो लेके आई, लेकिन PM पे लेके आई. रात को 10 बजे check लेकर के, sir ये check 2 लाख रुपए का. यहाँ पर क्या मैं check लेने के लिए responsible हूँ क्या? No. अच्छा मैम 28th ऑफ जुलाई को लाए तो नो. इसका मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मैनर डिसाइड हो गया, टाइम डिसाइड हो गया, प्लेस डिसाइड हो गया, तो उसी टाइम मैनर प्लेस के पर ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना जरूरी है. अंडरस्टूड? चलिए परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब परसों से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.